आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जेनेटिक्स असल में, अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बताऊँ, वन लाइन डेफिनेशन इन इंग्लिश, कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक लाइन डेफिनेशन है, बहुत आसान है, सिर्फ दो इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं जिसको हम समझेंगे तो हमारे पास जो जेनेटिक्स का डेफिनेशन है वो समझ में आ जाएगा। वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, मुंतकिल होना, तबादला होना, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी पढ़ते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं इसको हम किसमें पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में। और इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी, जिसमें इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन का मतलब है चेंज होना, तो ऑर्गेनिजम्स में तब्दीली आना, इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक है हेरिडिटी, दूसरा है वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन कैसे मुंतकिल होते हैं और ऑर्गेनिजम्स चेंज कैसे होते हैं, ये हम पढ़ते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। अभी इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या है? वो हमारे पास जीन्स हैं, वो हमारे डीएनए हैं, वो हमारे क्रोमोसोम हैं। जीन के अगर मैं एक लाइन डेफिनेशन बताऊं तो जीन क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ डीएनए दैट हैज इंफॉर्मेशन। ये अगर आप डीएनए उठाएं तो डीएनए का एक टुकड़ा उठाओ उसको हम लोग जीन कहते हैं, सिंपल। इसके पास वो इंफॉर्मेशन होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन। तो जीन जो है वो खास पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं क्रोमोसोम्स पर, उस स्पेसिफिक पोजीशंस को कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं? लोकस। अभी लोकस जो है, यहां पर मैंने क्रोमोसोम पर जो लाइंस निकाले हुए ये डार्क डार्क लाइंस, असल में इनको बोलते हैं लोकस। ये पोजीशंस हैं किसके? जीन्स के पोजीशंस हैं। और हमारे पास जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो एक नेक्स्ट टर्म सामने आता है जिसको बोलते हैं एलील। अभी ये एलील क्या है? एलील बहुत सिंपल है, वन और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। अगर हमारे पास जीन के एक या एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ जाए उसको एलील कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर आपने ब्लड का जीन का आपको पता हो कि ब्लड के हमारे पास कितने जीन्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, यानी कि हमारे पास कितने हो गए? तीन किस्म के हो गए जीन। तो वन और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या कहेंगे फिर? इनको फिर हम अलील कहेंगे, दैट्स इट। लोकस भी हो गया, अलील भी हो गया। ये कहाँ पर होते हैं? जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और एक बुक में डिस्कस है कि अबाउट 1000 जीन्स होते हैं एक क्रोमोसोम पर। तो अभी ये क्रोमोसोम को थोड़ा सा हम लोग वाजे करते हैं कि क्रोमोसोम किस चीज से बना है। क्रोमोसोम बना है डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। प्रोटीन कौन से हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए जब आपस में मिलते हैं तो वो फिर स्ट्रॉन्ग किस्म का शक्ल इख्तियार करते हैं जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। और ये डीएनए फिर खुद किस चीज से मिलकर बना है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारे पास? शुगर हो, फॉस्फेट हो, नाइट्रोजिनस बेस हो, इनकी कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं। और डीएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो उसको फिर हम डिफरेंट नाम देते हैं उसके शक्ल के मुताबिक। यही डीएनए और प्रोटीन का नाम है क्रोमैटिन मटीरियल। ये डीएनए प्रोटीन दोनों क्या है? क्रोमैटिन मटीरियल है। जब ये क्रोमैटिन मटीरियल इस तरह का शक्ल के हो, अनकॉइल्ड फॉर्म में हो, बिल्कुल बिखरे हुए हो, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। और यही डीएनए जब क्वाइलिंग कर ले, एक हार्ड शक्ल बनाए, उसको फिर बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो डीएनए और प्रोटीन को क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब ये अनक्वाइल्ड हो उसको बोलते हैं क्रोमैटिड। और यही डीएनए जब क्या हो जाए, क्वाइल्ड में हो जाए और हार्ड शक्ल इख्तियार कर ले, उसको फिर क्रोमोसोम कहते हैं। अभी हमारे लेक्चर को हम एक खुलासतन, एक शॉर्टली कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए के एक फ्रेगमेंट को जीन बोलते हैं। यही डीएनए जब अनक्वाइल्ड हो उसको क्रोमैटिड कहते हैं। और यही डीएनए जब क्वाइल्ड हो जाए उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स।
और अब भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. हम आपके आंसर्स के लिए हाजिर होंगे बहुत ही जल्द. थैंक यू फॉर वॉचिंग.